हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही थी, आज डे टू है। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आज हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आज एवरेज स्पीड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉयज गोज टू स्कूल स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के हमारे पास एवरेज स्पीड फाइंड करने के दो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बेस्ड होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे एवरेज स्पीड का, देन उस पे बेस्ड हम इक्वल स्पीड, अगर हमारे पास क्या है डिस्टेंस इक्वल दी हो, टू पार्ट में इक्वल डिस्टेंस दिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर थ्री डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस के वो भी इक्वल है और हमसे तब एक एवरेज स्पीड पूछिए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली अगर हम समझें तो एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, एक बॉय है, ठीक है, गोज टू स्कूल, वो अपने घर से स्कूल जा रहा है एंड कम बैक। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल होगी ना, वो पहले अपने हाउस से, ठीक है, कहाँ जा रहा है स्कूल, देन वापस रिटर्न। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ठीक है, इक्वल है। अब हमें ये पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। शॉर्ट ट्रिक से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, कि वो शॉर्ट ट्रिक्स आई कहां से है, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड बराबर हमें पता है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। हम उसके हाउस से उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है उसे डी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बेटा होगी कितनी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी स्कूल से घर डी, एंड स्कूल स्कूल से अगर हम बात करें हाउस से स्कूल तो कितना हो गया डी, एंड स्कूल से हाउस तो कितना हो गया डी, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई 2d। ठीक है, अब टाइम की बात करें, अब हमें जाते वक्त टाइम हम मानते हैं t1 है, आते वक्त वापसी का टाइम है t2, पर हमें एक चीज एज्यूम करनी है कि वो टाइम हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमें टाइम गिवन नहीं है, सिर्फ स्पीड दी है, इसी के रिस्पेक्ट में हमें फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अगर हमें स्पीड गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर हम हाउस से उसके हाउस से स्कूल जाने की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है बेटा डी, और जाते वक्त हम उसकी स्पीड कितनी ले रहे हैं, तो स्पीड आप एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं, s1 भी ले सकते हैं। तो जाते वक्त उसे टी जो टाइम लगेगा उसे हम t1 ले रहे हैं, तो t1 की वैल्यू क्या है डी अपॉन में एक्स। ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करें वापसी के टाइम की, ठीक है, तब डिस्टेंस कितनी है डी, और वापसी में हमने स्पीड क्या अज्यूम कर ली, यहाँ पर डिफरेंट स्पीड दी है ना, तो जाते वक्त की जो स्पीड है यानी 70 को हम 30 के एक्स के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और सेकेंड स्पीड हमारी जो वाई अज्यूम कर रहे हैं उसे 30 के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो वापसी में स्पीड कितनी है बेटा वाई। हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर अभी हमने देखा था क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 2d है, ठीक है, टोटल टाइम की बात करें तो t1 प्लस t2, तो टाइम हमारे पास क्या है d अपॉन में x प्लस में d अपॉन में y। ये t1 की वैल्यू है हमारी और ये t2 की। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये क्या है d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आएगा x प्लस y अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, और ये एक्स वाई क्या है रोटेट होके यहाँ पे चला जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर हमें सिर्फ दो डिफरेंट स्पीड गिवन है और डिस्टेंस हमें इक्वल डिफाइन की गई है और उसी के रिस्पेक्ट में हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखिए एक्स और वाई हमने क्या अज्यूम किए थे, दोनों स्पीड थी, ठीक है, ये जाते वक्त की स्पीड थी, ये वापसी की स्पीड थी, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर हमें
डिस्टेंस हमने कुछ एज्यूम की, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको डिस्टेंस एज्यूम की, पर अगर हम अपना क्वेश्चन रीड करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिया है कि स्कूल से जब वो अपने हाउस से स्कूल जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जब अब वो वापस आ रहा है ठीक है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर। तो वापसी में स्पीड 30 किलोमीटर है, जाते वक्त 70, सिर्फ स्पीड हमें गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में हमें एवरेज स्पीड पूछिए। तो अगर टू इक्वल डिस्टेंस की बात की जाए ना, टू इक्वल डिस्टेंस ऐसे भी हो सकती है, फर्स्ट हाफ जर्नी ठीक है एंड सेकेंड हाफ जर्नी, उसे भी हम टू इक्वल डिस्टेंस ही कहेंगे। एंड अगर एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं और उसी पॉइंट से रिटर्न फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है ठीक है, तो वो भी इक्वल डिस्टेंस है। तो उस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है, जब हमें दो स्पीड गिवन होती है तो 2xy/x+y। अब हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इसमें पहली स्पीड x की वैल्यू कितनी गिवन है, 70, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 30/x+y, 30 + 70 इज 100, डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 × 2 यानी 42 किलोमीटर पर। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी कंप्लीट जर्नी में, 42 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट सेम डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट सेम डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वल डिस्टेंस की बात की गई है, नेक्स्ट सेम, तो यानी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि थ्री इक्वल डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो हम मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या, एवरेज स्पीड हमें टू इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अभी हमने देखी थी, तो एवरेज स्पीड क्या थी उसमें, तो एवरेज स्पीड हमारे पास टू इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वैल्यू थी, शॉर्ट वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो थी 2xy/x+y। जब हमें थ्री इक्वल डिस्टेंस की बात की जाती है ना, तो हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, तब एवरेज स्पीड हम ले लेते हैं कि एवरेज स्पीड तब क्या होगी, यहाँ पे 2xy था तो यहाँ पे 3xy and z, थ्री वैल्यूज हो जाएंगी, एंड अपॉन में x+y+z हो जाएगा, जो मिस्टेक। हमें कॉन्सेप्ट से समझना है, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ लिया है ठीक है। नॉर्मल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, तो नॉर्मल एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ठीक है, टोटल टाइम। अब हमें टोटल डिस्टेंस, थ्री इक्वल डिस्टेंस है तो हम इसे डी मान लेते हैं, तो थ्री टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3d। ये बात तो क्लियर है। फर्स्ट जर्नी में उसे टाइम कितना लगा, t1, और वो किस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो फर्स्ट जर्नी में स्पीड कितनी हमने अज्यूम कर ली, x, तो टाइम कितना आ गया, d अपॉन में x। सेकेंड में हमने स्पीड कितनी अज्यूम कर ली, टाइम है t2, d अपॉन में y, स्पीड इज y ठीक है। एंड थर्ड में अगर हम बात करें, टाइम इज 3t, d अपॉन में z ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी सब में से कॉमन आ जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे 3d अपॉन में 3, आपके पास यहाँ d कॉमन आ गया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी xy+yz and zx अपॉन में xyz, और ये xy क्या है, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये xyz आपके पास ऊपर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, 3xyz ठीक है, xy+yz+zx। और हमने इसके पहले फर्स्ट के रिस्पेक्ट में से क्या ले लिया था, x+y+z, जो क्या है, रॉन्ग ठीक है। तो करेक्ट अगर थ्री इक्वल डिस्टेंस की बात की जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है, 3xyz/xy+yz+zx। आप इसे s1 s2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और xyz की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और abc की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो एवरेज स्पीड थ्री इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, तो एवरेज स्पीड थ्री इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास है 3xyz/xy+yz+zx ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 24, तो 3 × 24 × 30 × 40। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास xy ठीक है, 24 × 30 यानी 24 × 3 करूं तो 72 यानी 720। नेक्स्ट वैल्यू है 30 × 40 यानी कितना आ जाएगा, 1200।
एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 24 इंटू में 40, तो कितना आ जाएगा 960। इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1680 एंड 1200, तो 2800 80। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, फोर से इसे सिंप्लीफाई, सेवन एंड टू, 24 से इसे थ्री, थ्री से थ्री, थ्री कैंसिल, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आ। तो उसकी पूरी कंप्लीट जर्नी में उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट ट्रेन कवर ए डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आर एट ए स्पीड ऑफ ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, सॉरी ठीक है, एट ए डिस्टेंस 60 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से कवर कर रही है, 45 किलोमीटर पर आर से, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे, किस स्पीड से कवर कर रही है, 40 किलोमीटर पर आर से, एंड लास्ट 100 किलोमीटर। यहाँ पर अगर हम फाइनली देखें तो डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, और अनइक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो अभी हमने देखा था एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो, और टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T1 की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी है फर्स्ट 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए 45, तो टाइम कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 1/3 बनेगा, 1 1/3 इज 1 आवर 20 मिनट। सेकेंड T2 टाइम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 3/4 इज 45 मिनट्स। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास T3 टाइम की बात करें तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/80। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1 1/4 यानी 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, अब टोटल टाइम देखें तो 1 आवर ये 1 आवर ये एंड 1 ये कंप्लीट मिलके 3 आवर्स 20 मिनट, और 3 आवर्स 20 मिनट को अगर हम लिखें तो 3 1/3, और जिसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी आपके पास 10/3 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, तो टोटल टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3, एंड टोटल डिस्टेंस कितनी है तो 60 + 30 + 100। ठीक है, एंड टोटल टाइम कितना है 10/3, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 190/10 × 3, 10 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 किलोमीटर पर। चलिए, हमारा अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स जो था, ठीक है, उसके लास्ट डेट है उस कोर्स के लिए, जो उसमें ऑफर चल रहा था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है 2 ईयर्स में तो आपको 100% उसकी फीस रिफंड होगी। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ लास्ट 21st of July तक है, इसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे पहले इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 4/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ कार। हमें बस की जो एवरेज स्पीड डिफाइन की गई है वो कार के रिस्पेक्ट में डिपेंड करके बताई गई है। फिर नेक्स्ट क्या कहा है, विच कवर 200 किलोमीटर इन 80 आवर्स। तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे कार की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्पीड ऑफ कार अगर हम कहें, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज 2000 किलोमीटर एंड टाइम इज 80 आवर्स, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ कार आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर बस की जो स्पीड डिफाइन की गई है वो किस पे डिपेंड करके बताई गई है, कार पे, कि बस की जो स्पीड है वो 4/5 है किसका, तो वो कार का। तो हमें स्पीड ऑफ बस अगर फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, 2000 अपॉन, इसे सिंप्लीफाई मत कीजिए, डायरेक्टली इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसका 4/5 फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 times 2 10 जा, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड कितनी होगी 20 किलोमीटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ए मैन टेक 6 आवर 15 मिनट्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। एक
मैन है जो जाते वक्त क्या है, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और जब हम फर्स्ट, यानी अगर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाने के लिए वो वॉकिंग यानी वॉक करके जा रहा है, ठीक है, तो कितना टाइम लेता है, और जब वो वापिस आ रहा है तो किससे आ रहा है, थ्रू राइडिंग, तो कितना टाइम ले रहा है, टोटल 6 आवर्स 15 मिनट, ठीक है। तो यानी फर्स्ट वे में उसका क्या है, वॉकिंग, एंड सेकेंड वे में क्या है, राइडिंग, तो टोटल टाइम लगता है 6 आवर 15 मिनट। 6 आवर 15 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 6 1/4, और 6 1/4 इज 25/4 आवर्स, ठीक है। सेकेंड वे में हमें क्या कहा, इफ इफ कुड वॉक बोथ वे, अगर दोनों साइड वो वॉक करके जाता है ना, तो उसे टोटल टाइम लगता है 7 आवर्स 45 मिनट, यानी 7 3/4, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 4 28, 28 यानी 31/4 आवर्स। अब एक चीज देखिए, जब यहाँ पर पहली फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, अगर एक वे में क्या है वॉकिंग, सेकंड में राइडिंग, तो कितना टाइम, 25 into 4 आवर्स, 25/4 आवर्स। अगर बोथ वे, तो बोथ वे में अगर उसे वॉक से जा रहा है वो, ठीक है, वॉक करके जा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 31/4। तो एक सिंगल वे अगर वो वॉक से वॉक करते हुए जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 30, ये क्या है हमारे पास 2W की वैल्यू होगी, और W की वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो जाएगी, 31/8। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4 - 31/8, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक एलसीएम 50 माइनस तो 19/8। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर वो एक सिंगल टाइम सिंगल वे राइडिंग से जाता है, उसे टाइम लगेगा 19/8, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है द टाइम टेकन बाय टाइम टाइम टेकन बाय हिम टू राइड बोथ वे, अगर बोथ वे वो राइड करते हुए जा रहा है तो कितना टाइम, यानी 2 आवर के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 19/8 × 2, ठीक है, तो 19/4 आवर्स। 19/4 आवर्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 4 4 = 16, 4 आवर्स, एंड 3/4 यानी 45 मिनट्स, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अगर बोथ वे वो राइट के थ्रू जा रहा है ना, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स 45 मिनट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।